वो सब जानते हैं, वहां मेरे पुलिस कर्मी भाई खड़े हैं, वो सब जानते हैं कि एक ही मांग है, एक ही मांग है आज इनकी कि हमें पुराना पेंशन दे दो, क्योंकि हम 20 साल काम करते हैं, दिन रात एक करते हैं, हम भी देश की सेवा कर रहे हैं, तो हमें बुढ़ापे में थोड़ी सी सुरक्षा चाहिए। इसीलिए तो हमने जब हम नौजवान थे हमने सरकारी नौकरी ली। आज आप कह रहे हो कि पुराना पेंशन नहीं मिलेगा और हमारा पेंशन सुरक्षित ही नहीं रहा, और इनकी भाजपा की सरकारों वाले प्रदेश में कोई सुनवाई नहीं है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां ओपीएस लागू है, यहां लागू है, राजस्थान में लागू है, हिमाचल प्रदेश में लागू है, कर्नाटका में लागू है। तो बस यही बातें आपको मैं कहना चाहती हूं। आप इस मोड़ पे आ गए हो, कुछ दिनों में वोट डालने जाओगे, तो सोच समझ के अपना वोट डालोगे या धर्म के बहकावे में या किसी की झूठी घोषणाओं के बहकावे में डालोगे, ये आप समझ लो। जो आपके सामने है, जो आपने 5 सालों से सरकार देखी है, जिसने आपका मान सम्मान बढ़ाया है, आपके पूरे देश और दुनिया में आपका नाम बनाया है, आप इस सरकार को 5 साल और मौका देंगे कि आपके लिए और भी मजबूती से काम करें, या फिर आप ऐसा रास्ता पकड़ेंगे जो आपको विकास नहीं, आपको सिर्फ परेशानियों का जीवन और मुश्किलों का जीवन देगा। आप सोच समझकर अपना वोट डालिए। जिस दिन आप वोट डालने के लिए जाएंगे, मेरी बातों को, बघेल जी की बातों को और साहू जी की बातों को जरूर याद रखना, क्योंकि ये वोट आपका है और आपके लिए है, प्रदेश आपका है। इसमें कितना अच्छा हो सकता है वो आप देख चुके हैं, और भी देखने को बाकी है, बहुत और काम हो सकता है आपके सहयोग से। और इससे पहले जो हो रहा था वो भी आपने देख लिया है, आसपास के प्रदेशों में जो हो रहा है वो भी आपने देख लिया है। तो सोच समझकर जागरूक बनके अपना वोट डालिए, और मैं जानती हूं कि आप जब जागरूक बनके अपना वोट डालेंगे तो आपका वोट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जाएगा, और एक बार फिर कांग्रेस की सरकार आपके प्रदेश में आएगी और आप देखेंगे कि जो घोषणाएं मैं आज करके जा रही हूं, एक नहीं सारी की सारी पूरी होंगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ध्यान से आपने बातें सुनी, ज्यादा समय नहीं लेना चाहती। जय हिंद। महंगाई से मुक्ति दिलाने के लिए प्रियंका जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। मैं निवेदन करूंगा कि सब प्रत्याशी सामने आ जाए प्रियंका जी के साथ, सभी जो दुर्ग जिले के यहां के सामने आ जाएं, और आभार प्रदर्शन के लिए सब हाथ